चलिए मेडिसिन से रिलेटेड आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि अक्सर मेडिसिन से रिलेटेड आप लोगों को जानकारियां नहीं मिलती हैं। तो जितने भी किसान भाई हैं उनके फार्म पे कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए और जिस फार्म पे मैं आया हूँ वहाँ पे कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल हैं, क्या उनके काम है, ये सारी चीज़ आपको वीडियो में जो है जानने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं सबसे पहले किसान भाई से। तो नमस्कार भाई। नमस्कार विमल भाई, और हमारे फार्म में आए, आपका स्वागत है। चलिए तो हम आपसे कुछ जानते हैं मेडिसिन के बारे में। जी जी। तो आपने कुछ मेडिसिन ये जो निकाल के रखी हुई हैं जी, क्रम वाइज एक एक मेडिसिन का बता दीजिएगा कि इसका क्या रोल है, कहाँ पे आप इसको देते हैं और क्या इससे लाभ मिलता है, जो ये चीज़ें आपने यूज की हैं एक्चुअल में बकरी पालन में इसमें लाभ मिला है कि नहीं मिला है, किसकी सजेशन से चीज़ें लाए, कहाँ से लाए, यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखे या किसी डॉक्टर ने बताया, इनका लाभ के बारे में बताए कि एक्चुअल इनका लाभ मिला आपको कि नहीं। तो सबसे पहले मेडिसिन ले लेते हैं प्राइन टॉनिक जी, तो ये किस लिए यूज में लिया है? ये जब बकरी ब्याती है तो उस यूज में लेते हैं हम 10 दिन तक, जो बच्चेदानी की सफाई अच्छे से तरीके से हो सके। अच्छा अच्छा। बच्चेदानी में इन्फेक्शन ना फैले। अच्छा, उसी से रिलेटेड आपने एक दवा ये रख रखी है एक्सापार जी, तो ये वही काम करती है, दोनों सेम दवा है। सेम है। अच्छा, मान लो कहीं ये मिलती है कहीं ये नहीं मिलती, तो इस वजह से दोनों रखे हुए अपने पास में। ठीक है, एक दवा आपने ये रख रखी है अलका सोल जी जी, तो ये दवा किस काम आती है? जैसे बकरी की मान लो पेशाब में कोई दिक्कत होती है तब इसको यूज करते हैं। अच्छा, ये किसी से रिलेटेड रखी हुई है यूरी आउट जी जी, तो ये किस लिए? ये भी पेशाब में ये काम करती है। अच्छा अच्छा, और कालपोल रख रखा है 250 mg, इसका कहाँ पे यूज होता है? बच्चों के लिए, जब बच्चों को बुखार उखार फीवर वीवर जो है ये समझ में आया तो फिर उसमें बच्चों के यूज लेते हैं। अच्छा अच्छा। और बड़ों के लिए जो है ना डोलो 650, उसका यूज कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, एक ये दवा रखी हुई है ओ फ्लाक्सासिन मेट्रिंडाजोल साल्ट है, ओ FM करके है जी। इस दवा का यूज कहाँ पे करते हैं? ये भी बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों को दस्त जब होती है तो फिर बच्चों को 3-3 ml फिर पिलाते हैं। अच्छा, दस्त सही हो जाता है? दस्त के लिए सही है। ये है क्लस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। अच्छा, अरंडी का तेल है ये। तो ये अरंडी का तेल कहाँ पे यूज करते हैं? कभी कभार बकरी की जैसे चारा कम खाती है तो उसके गल्फर में 2-3 दिन लगा दो तो चारा खाने लगता है। तो ये जानकारी आपको बहुत अच्छी मिली होगी कि ये अरंडी का तेल है और यदि बकरी चारा कम खाती है तो इसको यदि गले में लगा देते हैं तो चारा खाने लगते हैं। गल्फर में। इसका रिजल्ट वगैरह लिया हुआ है? हाँ। प्रैक्टिकल है? हाँ, बकरे जो बेचे ना उनके लगाते थे हम। अच्छा, चारा बढ़िया उठाते थे। ठीक ठीक ठीक, अगली दवा ले लेते हैं ब्लोटोसिल, ये कहाँ पे यूज करते हैं? अफरा के लिए, जैसे बकरी दाना ज़्यादा खा जाए तो बकरी फूल जाए, कुछ खाना पीना बंद कर दे, उस समय हम इसको यूज में लेते हैं बकरी को। अच्छा, पेट फूलने पे बकरी बिल्कुल फूल जाए कस के और इसको पिला दो, 20 मिनट बाद तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा तुमको। अच्छा, कितनी पिलाते हैं? बस 10 ml। अच्छा, 10 ml बकरी के हिसाब से। हाँ, बड़ी बकरी है तो। बड़ी बकरी है जो, तो 10 ml अभी पिला दो, 10 ml एक घंटे बाद पिला दो बकरी, मान लो कि 3 घंटे बाद चारा खाना ही खाना है। अच्छा अच्छा। हाँ, एक होम्योपैथिक आपने दवा रख रखी है, ये कौन सी है? ये जुकाम में यूज में लेते हैं। अच्छा, एको नाइटम नेपल्स। हाँ। 200 cc में रख रखा है, इसको कैसे देते हैं? जुकाम में, जब जुकाम हो जाता है तो बकरी या बच्चों के नाक में 2-2 बूंद डालते हैं। अच्छा, नाक में या मुंह में चटा दिया। हाँ। उससे सही हो जाता है? तो ऑटोमेटिक जबान से चाट लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये चटाने वाली दवा है, नाक के पास डालते हैं तो चाट लिया तो उससे सही हो जाता है। एक दवा आपने ये रख रखी है कैट कफ। हाँ जी। तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं? जब बकरी को खांसती है ना, धांसती, जैसे खांसी आती है तो उस समय इसको बकरी को यूज में लेते हैं खांसी। अच्छा अच्छा, कैट कफ खांसी के लिए हो गई। ये कैल्शियम ऑस्ट्रोवेट का रख रखा है, इसको कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे बकरी कोई दुबली पतली ज़्यादा है तो उस समय इसको देते हैं। अच्छा, कोई बकरी बहुत कमज़ोर लग रही है तो उसको कितना देते हैं? बस 10 ml। अच्छा, 10 ml, 10-15 दिन। बड़ी बकरी है तो 10 ml, छोटा बच्चा है जैसे नाजुक है तो उसको 5 ml। अच्छा अच्छा अच्छा, एक आपने ये रख रखा है लीवर टॉनिक। जी हाँ। तो इसका क्या रोल है? लीवर टॉनिक जो बड़े बकरे हैं तो उनको महीने में 10 दिन
देते हैं, और जैसे डिवाड़नी कराया हमने बकरियों को तब फिर ये चलाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं डिवार्मिंग क्या होता है, डिवार्मिंग जैसा आपने शब्द लिया है, कीड़े की दवा जो होती है, जो कीड़े मारने की, जब हम पिलाते हैं तो वो जाके सीधे लीवर में अटैक करती है जाके। अच्छा अच्छा, तो उसको फिर बकरी चारा खाना कम कर देती है, तो उस समय हम इसको ब्रोटोन की यूज करते हैं। ये कितना पिलाते हैं? 10 ml बड़ी को और छोटी को 5 ml, जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो उनको 3 ml। अच्छा अच्छा, तो ये जो कीड़े की जैसी बात आई कि आपने कहा कीड़े की दवा देते हैं, तो कीड़े की दवा कितने दिन में देते हैं? कीड़े की दवा 3 महीने में एक बार। एक बार? अच्छा। एक आपने इंजेक्शन भी रखा हुआ है टैक्सिम का, इसका कहाँ पे यूज किया है? जब बकरी को बर्फ जाड़े में जैसे सर्दी लग गई। अच्छा, उस समय इसको यूज में देते हैं। जिसको निमोनिया हो गया वहाँ पे, जो सही नहीं हो रहा है, ये दवाओं से घरेलू उपचार के बाद तो फिर इंजेक्शन पे जाते हैं। इंजेक्शन में आते हैं फिर। अच्छा, तो इंजेक्शन वगैरह आप लगा लेते हैं? जी हाँ, लगा लेते हैं। ये सारी चीज़ें सीखी कहाँ से हैं? सब अब हम इंजेक्शन लगाना मतलब दवा करना तो पहले से जानते थे, सब अपने ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, आदमी के लिए चढ़ा देते, अपने घर में हम ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। अच्छा। अपने हाथ से अपनी ग्लूकोज हम खुद चढ़ा लेते हैं। तो ये हमारी मतलब ऐसे कुछ डॉक्टरों से संपर्क था। अच्छा, तो ये सब ठीक है पहले से। तो और काफ़ी दवाएं रखी हुई हैं, चलिए मैं इनकी दवा वाली अलमारी दिखा देता हूँ। देखो काफ़ी दवाएं रखी हुई हैं, पूरा थर्मामीटर, ये जैसे पूरा रखा है हमारे पास, थर्मामीटर भी रखा हुआ है, दो दो थर्मामीटर है, इसकी कोई बात नहीं। तो आप जो भी किसान भाई हैं, हिमैक्स रखा? अच्छा, हिमैक्स का यूज कहाँ पे करते हैं? ये तो कहीं घाव वाव लग गया, कोई चोट वोट लग गई तो फिर उस जगह हिमैक्स का यूज करते हैं, और अगर उससे भी नहीं सही हुआ तो एक ट्यूब हमारे पास और रखा हुआ है, DS, सुप्रीम DS, ये सूखने के लिए काम आती घाव के। अच्छा, ये DS टैबलेट है? हाँ, एक काय में यूज होती है ये सूखने के काम में, जैसे कोई बच्चे या बकरी कोई मार दिया तो घाव ज्यादा हो गया है, तो फिर उस समय इसको हम यूज में लेते हैं। अच्छा, इसको खिलाते हो? हाँ, खिलाते हैं। या पीस के डालते हो घाव में? नहीं नहीं, खिला देते हैं। अच्छा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है उसका। और ये जैसे रखा है अपने पास में नेबलॉन पाउडर, ये भी दस्त में बहुत अच्छा काम आता है, दस्त के लिए। हाँ, और जैसे गैस के लिए रखी हुई है हमारे पास में AC-Lock 300। अच्छा, हल्की पल्की गैस है, यदि तो गैस की समस्या है तो AC-Lock। हाँ, टैबलेट देते हैं उसको। अच्छा, और ये कीड़े की जो दवा है देखो रखी हुई है, कीड़े की दवा है गोकोको IV, अल्बेंडाजोल आइवरमेक्टिन साल्ट है इसमें। हाँ, 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 कीड़े की दवा हो गई। ये कुछ इंजेक्शन और रखा हुआ है, जैसे ये रखा हुआ इंटा सेफ, तो ये तो 3 ग्राम का इंटा सेफ रख रखा है, ये तो बड़े जानवरों का, भैंसों वगैरह का है, तो क्या ज़्यादा बकरियाँ बीमार हो गई थी क्या, तो इससे मतलब थोड़ा थोड़ा सा लगा के निकाला या इस तरह से? अच्छा, भैंस का है, पहले का लाया हुआ है। तो यदि इंटा सेफ आप लोग एंटीबायोटिक में यूज करते हो तो बकरियों में 562 mg यूज होता है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये डिवार्मर है अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन साल्ट में, ये देखिए नीलजान दवा रखी हुई है। तो ये बताएं एक चीज़, ये बताएं कि इतनी ज़्यादा डिवार्मर क्यों रखे हुए हैं, क्या हर बार चेंज करते हैं, कैसा क्या है? हाँ हाँ, चेंज करके देते हैं। अच्छा, जैसे आपकी बार जो गाभिन बकरियाँ हैं उनको नीलजान से करवाते हैं। अच्छा अच्छा, जो हमारी बकरी गाभिन नहीं है, जैसे बकरे हैं, तो उनको एल्बोमार से करवाते हैं। ये तो आप लोग समझ लीजिएगा कि गाभिन बकरियों को आपको नीलजान दे सकते हो, अल्बोमार नहीं देना है, दे सकते अल्बोमार सिर्फ जो नॉन प्रेग्नेंट जानवर है उसको देना है, बकरों को यूज कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है? बीटाडीन है, इसका ट्यूब भी हमारे पास में है। अच्छा, उसमें है। बीटाडीन काय में यूज होता है? बीटाडीन घाव में यूज होता है। अच्छा, घाव कहीं पे चोट लग गई उसमें लिक्विड में है, तो मतलब हम जैसे बकरी ब्याई तो उसका जैसे नाड़ा आड़ा तोड़ा गया तो फिर उसमें ये यूज में हम लेते हैं उसके। अच्छा, जैसे किसी बकरी ने बच्चा दिया तो जब उसका नाड़ा आप काटते हैं तो फिर ये आयोडीन, ये जो बीटाडीन है, ये लगाते हैं, लगा देते हैं ताकि इन्फेक्शन बच्चे के ना हो। ये तो आप लोगों को कैसी जानकारी लगी, काफ़ी दवाएं हैं इनके पास, जैसे बूटाक्स वगैरह रखा हुआ है, दवाओं के बारे में कैसी जानकारी लगी, किसान भाई के बारे जो भी चीज़ें बताईं आप लोगों को कैसी लगी, और ये जितनी दवाई आपको बताई गई है ये आपके फार्म पे होनी चाहिए, यदि आप सफलतापूर्वक काम करना चाहते हैं तो ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसा इन्होंने काफ़ी चीज़ रख रखी है, हिमालय 32 रख रखा है, और ये मिनरल मिक्सचर रख रखा है, देखो ल्यू 52 का 5 लीटर का डिब्बा इन्होंने रख रखा है 30-40 बकरियों में, इतना ये सारी चीज़ें देते हैं।
तो ब्रूटोन भी है, LU-52 भी रख रखा है, ये किस चीज़ की दवा है? घाव साफ करने के लिए। अच्छा, ये हाइड्रोजन पराक्साइड है जो घाव वगैरह हो जाते हैं उसकी सफाई के लिए सफाई करते हैं इससे। अच्छा, जैसे घाव हो गया तो इसको डालेंगे, घाव में डालेंगे, उसको अच्छी तरह से साफ करेंगे, तब उसके बाद बीटाडीन का या हिमैक्स का यूज करेंगे। ये प्रॉपर प्रोसेस है। तो जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कैसा लगा फार्म, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। जो मेडिसिन के बारे में जानकारी भाई साहब ने दी है उससे आशा करता हूँ आप सभी लोगों को लाभ होगा, और ये दवाएं अपने फार्म पे रखिएगा, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।